अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी लेकर आई हूँ और झटपट बनने वाली है और बहुत ही आसान तरीके से। मैं इसे माइक्रोवेव में बनाऊंगी और जस्ट 5 मिनट्स लगेंगे इसको बनने में। तो चलिए आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अपनी फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। तो चलिए अब इसको तैयार बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट है जिनको मैं छान लूंगी। चलिए, ये छन्नी रखी है। सबसे पहले ये मैदा है मेरे पास, 3/4 कप मैदा है, ये चला गया इसमें। 1/2 कप कोको पाउडर, ये चला गया इसमें। चलिए पहले इन्हें छान लेते हैं हम अच्छे तरीके से। जब भी आप लोग केक बनाएं तो ड्राई इंग्रेडिएंट को जरूर छान लिया करें, खुसूसन जिसमें कोको पाउडर डले उसे तो आपने जरूर छान लेना है। देखिए इसमें कितनी गुठलियां होती हैं, अच्छे तरीके से इसको छानेंगे। मैदे और कोको पाउडर को छान लिया है, अब इसके अंदर जाएगी चीनी। ये मैं कैस्टर शुगर यूज कर रही हूँ और ये भर के पूरा 1 कप इसमें चली गई। अब इसमें जाएगा 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और नमक जाएगा 1 पिंच या 1/4 टीस्पून, बस इससे ज्यादा नहीं। अब इन तमाम अज्जा को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। आपने इसको बनाने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि ये मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ, इसलिए इसको तमाम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। चलिए जी, ये मिक्स हो गया है और अब मैं इसको साइड में रखती हूँ। और अब एक बाउल लेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल, ये तकरीबन 3/4 कप है कुकिंग ऑयल, ये चला गया। अब इसमें जाएंगे 2 अंडे रूम टेम्परेचर पर और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा वेनिला एसेंस। बस अब इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो बिटर भी यूज कर सकते हैं, मैं इसको इसी तरह से कर रही हूँ विक्स की मदद से। अच्छे तरीके से इसे बीट करना है। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, अंडे फ्रिज से निकले हुए या ठंडे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तमाम अज्जा अच्छे तरीके से बीट हो गए हैं और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ड्राई इंग्रेडिएंट जो हमने छान के रखे थे, लेकिन इसको आधा आधा करके डालेंगे। अगर एकदम से सारा डाल देंगे तो फिर आपसे बीट नहीं हो पाएगा, अगर एकदम से इसको सारा डाल देंगे तो फिर आपसे सही से मिक्स नहीं हो पाएगा। अच्छे तरीके से हमें इसे बीट करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह पाए। ये देखिए टेक्सचर। चलिए अब ये बिल्कुल रेडी है, ये देखिए इसमें कोई लम्स भी नहीं है। अब हम इस तरह चकोर शेप का एक बॉल लेंगे और इसके अंदर लगाएंगे बटर पेपर इस तरह से। देखिए इस तरह से बटर पेपर लगा दिया है इसमें और अब मैं इसे ऑयल से ग्रीस करूंगी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप जो है खाली ये जो बॉल है इसके अंदर भी जो है ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर सकते हैं। हमारा बॉल अच्छे तरीके से ग्रीस हो गया है और अब इसके अंदर हम ये सारा मिक्सचर ट्रांसफर कर देंगे। सारा मिक्सचर इसमें ट्रांसफर हो गया है और अब इसे आप डैप कर लीजिए। अब इसको मैं रखूंगी 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव के अंदर और 5 मिनट में ये बहुत ज़बरदस्त सा बेक हो जाएगा, लेकिन शुरू में मैं इसे 3 मिनट के लिए रखूंगी, उसके बाद मैं 1 मिनट के लिए रखूंगी, फिर 1 मिनट के लिए, और इसको मैं चेक करती रहूंगी मुसलसल। तो चलिए इसको रखती हूँ मैं। 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी ब्राउनी बिल्कुल रेडी है। कितनी सॉफ्ट बनी है ये और अभी बहुत शदीद गर्म हो रही है। अच्छा, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए आइसिंग शुगर डालूंगी। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको इसमें से निकाल कर और कट करके आपको दिखाती हूँ। हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ब्राउनी बिल्कुल तैयार है और बहुत ही टेस्टी लग रही है और अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ।
मेरी इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ब्राउनी कैसी बनी। मैं रहूंगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।